अगर आप भी एक एक्सेल यूजर हैं और ऑफिस में डेली बेसिस पर एक्सेल पर काम करना होता है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वी लुकअप विद कॉलम्स और एच लुकअप विद रोज, जिसकी हेल्प से किसी भी लार्ज डेटा में से आपके लिए किसी भी डेटा को फाइंड करना बस चुटकी बजाने जैसा आसान हो जाएगा। आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहित और ECC एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी एक्सेल स्क्रीन पर। अब एक्सेल में हम लोग कभी भी कुछ काम कर रहे होते हैं तो बड़े से बड़े डेटा में से हमें अपने डेटा को फाइंड करने के लिए वर्टिकली बेस पर वी लुकअप लगाना पड़ता है। तो उसमें भी ये है कि कई सारे लोग डेटा को यूज तो करते हैं, वी लुकअप और एच लुकअप का यूज करते हैं, बट उनको इसका यूज परफेक्टली नहीं पता कि बहुत सारे डेटा को हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। कि वो पहले एक को निकालते हैं, उसके बाद बाकी वैल्यूज को ड्रैग करते हैं, फिर राइट को ड्रैग करते हैं, तो इस तरह से आंसर निकालते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। हम लोग जैसे अगर देखें तो मेरे पास एक पूरा का पूरा डेटा बना हुआ है, इस तरह से ये इतना बड़ा डेटा है, और इस डेटा में से मुझे कुछ डेट का डेटा फाइंड करना है कि मुझे कौन से रीजन में सेल हुई है, एग्जीक्यूटिव कौन है, आइटम क्या है, यूनिट्स क्या है उसकी। तो सारी डिटेल्स मुझे एक ही बार निकालनी है इन सारी वैल्यूज के लिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं वी लुकअप का, बट वी लुकअप के साथ हम लोगों को यहाँ पे साथ में कॉलम्स का फॉर्मूला भी लगाना है। तो उससे पहले हम लोग इसका नोट पढ़ लेते हैं जहां पे लिखा है कि बिफोर अप्लाइंग फॉर्मूला सेलेक्ट द होल रेंज वेयर द फॉर्मूला विल बी अप्लाई। तो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम लोगों को वो सारी की सारी रेंज सेलेक्ट कर लेनी है जहां पे हम लोगों को फॉर्मूला इंसर्ट करना है, यानी कि अप्लाई करना है। जो दूसरा नोट है उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप अगर आपने यूज किया होगा तो आपको जरूर पता होगा कि वी लुकअप जो है वो वर्टिकल बेस पे काम करता है और इसकी जो लुकअप वैल्यू होती है वो हमेशा लेफ्ट साइड से दी जाती है। तो अगर मैं इसकी लुकअप वैल्यू इसे सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद हम लोग करते हैं यहाँ पे कॉमा। कॉमा करने के बाद हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं टेबल एरे। तो टेबल एरे में हम लोग कुछ इस तरह से आपका डेटा जो है पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे पूरी टेबल एरे सेलेक्ट हो चुकी है जो कि A1 से लेके G44 तक है, यानी कि पूरी की पूरी डेटा यहाँ तक हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे कॉमा करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को कॉलम इंडेक्स नंबर जो है वो मेंशन करना पड़ता है। अब मुझे जब इतना सारा डेटा एक साथ निकालना है तो मैं यहाँ पे कितने कॉलम्स का नाम लिखूँ यहाँ पे, तो उसके लिए हम लोग इसमें एक फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं कॉलम्स का, जो कि वैल्यूज के अकॉर्डिंग कॉलम्स पता कर लेता है ऑटोमेटिकली। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कॉलम्स, जहां पर ये एरे पूछता है तो एरे में मैं इसको स्टार्टिंग के दो कॉलम दे देता हूँ। अब मैंने इसको दो कॉलम क्यों दिए, क्योंकि रीजन जो है वो सेकंड नंबर के कॉलम पे ही है, ये फर्स्ट नंबर का कॉलम है और ये सेकंड नंबर का है, तो इसके लिए 2 नंबर आ गया। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, उसके बाद कॉमा करते हैं, फिर वी लुकअप में अप्रोक्सीमेट के लिए तो कुछ नहीं देना होता है, बट जो एग्जैक्ट मैच होता है उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे 0 मेंशन करना होता है। यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और अब हम लोग सेकंड नोट को पढ़ते हैं जहाँ पे लिखा है आफ्टर अप्लाइंग फॉर्मूला प्रेस कंट्रोल एंटर। तो अब हमें कंट्रोल और एंटर प्रेस करना है, तो हम करते हैं कंट्रोल एंटर। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आपका डेटा यहाँ पे निकल जाएगा। अब यहाँ पर भी मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा डेटा सारा कुछ निकल तो गया है, लेकिन ये भी इनकरेक्ट है। अब आप सोच रहे होंगे डेटा तो सारा का सारा निकल गया, ये इनकरेक्ट कैसे है? तो इनकरेक्ट चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने ऑर्डर डेट 5 मई 2020 के बारे में डेटा फाइंड किया। तो अगर यहाँ पे देखें 5 मई का सेंट्रल है, ऑब्वियसली ठीक है, बट यहाँ पे हम देखें तो जो एग्जीक्यूटिव है वो तिलक ना होके यहाँ पे इसने मोहन फाइन किया है, और यहाँ पे जो आइटम है वो यहाँ पे दूसरी वैल्यू है और यहाँ पर वो दूसरी वैल्यू है, और वही सेम यूनिट्स में भी है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, अगर हम देखें यहाँ पे, मैं सेंट्रल पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है कि हाँ इस डेट के लिए इसने इसका डेटा निकाला, ऑब्वियसली सही सही निकाला। अगर मैं इस मोहन पे जाके डबल क्लिक करके इसे चेक करता हूँ तो देखिए आपका जो डेटा है जो आपने सेलेक्ट किया था वो कहाँ पर मूव हो चुका है। तो इसकी जो टेबल है आप देख सकते हैं टेबल एरे कहाँ तक मूव होके आ चुकी है, यानी कि जैसे डेटा आगे राइट को जाते रहा इसने डेटा को ऑटोमेटिकली मूव कर दिया। जैसे कि ये यहाँ पे मूव हो चुकी है टेबल, और ये दोनों भी यहाँ पे मूव हो गए, यहाँ आ चुके हैं कॉलम्स के अंदर के जो फाइल है, या फिर ये जो हमने सेलेक्ट किया था ऑर्डर डेट वो भी सेंट्रल पे आ चुकी है, यानी कि ये सेंट्रल के अकॉर्डिंग डेटा फाइंड कर रहा है। बट सेंट्रल के अकॉर्डिंग अगर ये डेटा फाइंड कर रहा है तो सेंट्रल तो सबसे टॉप में आ गया, पहले यहाँ पे आ गया सेंट्रल, और यहाँ पे सेंट्रल के लिए मोहन है, तो बाकी डेटा इसने मोहन के लिए यहाँ से उठा लिया। तो इसका मतलब तो हमारा ये आंसर इनकरेक्ट आया। तो एक काम करते हैं, ये फॉर्मूला अगर ऐसे वर्क नहीं कर रहा तो हम इस वैल्यू को अगेन सेलेक्ट करते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग वी लुकअप दोबारा से इंसर्ट करेंगे, वही फॉर्मूला हम लगाएंगे लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि किसी वैल्यू का एब्सोल्यूट किया जाता है, यानी कि लॉक किया जाता है, जिससे कि कभी भी अगर डेटा मूव किया जाए तो वो अपनी पोजिशन से मूव ना हो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं इज इक्वल टू वी लुकअप।
अब लुकअप वैल्यू हमारी है यहाँ पे डेट। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, जैसे कि लुकअप वैल्यू आ रहा है तो जे टू है, यानी कि जे कॉलम और सेकंड नंबर की रो। अब यहाँ पर जब आप F4 प्रेस करते हैं तो डॉलर का साइन जे के आगे भी लग गया और टू के आगे भी लग गया, यानी कि ये जो जे टू है ये अपनी जगह फिक्स रहेगा। तो बार बार मुझे अलग अलग ऑर्डर डेट के लिए फाइंड करना है डेटा, तो मैं इसको फिक्स तो नहीं रख सकता, मैं इसको नीचे को मूव करना चाहूंगा ऑब्वियसली, बट मैं इसको राइट को मूव नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि ये यहाँ से उठ के यहाँ पर आए। तो उसके लिए अब देखिए, जे आप चाहते हैं कि कॉलम जे से चेंज ना हो गया, के में ना जाए, तो आपको एक बार और F4 करना है, जहां से आपका जे अनलॉक हो जाएगा और आपका टू लॉक रहेगा, तो आप दोबारा F4 कीजिए, आपका जे लॉक हो जाएगा, यानी कि आपको जे लॉक करना है क्योंकि जे से के नहीं होगा, इस वजह से तो हमने जे को लॉक कर दिया। अब टेबल एरे हमें सेलेक्ट करनी है, पूरी का पूरा हम डेटा को सिलेक्ट करते थे इस तरह से, और यहाँ पे पूरा डेटा करने के बाद हम एम में यहाँ पे F4 प्रेस करते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो हमारी पूरी की पूरी टेबल है वो लॉक हो जाएगी अपनी जगह पे, क्योंकि ये टेबल हमें कहीं भी मूव नहीं करनी है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कॉलम्स का फॉर्मूला, तो मैंने यहाँ पे किया कॉलम्स। कॉलम्स करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन पूछता है एरे। अब एरे में मैंने कुछ इस तरह से इन दोनों को सिलेक्ट किया। कॉलम्स का जो फॉर्मूला है वो काउंट करता है कि हमने जो इसके अंदर एरे दी है उसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बन रहे हैं, तो मैंने इतना सेलेक्ट किया जिसमें ए और बी सेलेक्ट किया है, तो इसमें दो कॉलम बन रहे हैं। तो जब मैं इस डेटा को आगे मूव करेगा ये, तो ये फिर इधर आ जाएगा, फिर भी दो ही रहेगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर भी दो ही रहेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये यहाँ पर आए तो 3 हो जाए, यहाँ पर आए तो 4 हो जाए। तो उसके लिए हम लोगों को इसका जो ए है वो इसकी लोकेशन में फिक्स रखना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग करते हैं यहाँ पे F4। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो सेकंड इसका है बी है, ये सी हो जाए या डी हो जाए, ई हो जाए, जब आगे को ये इंक्रीज हो, बट इसका जो 1 है वो नीचे को मूव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग इसका 1 तो लॉक रखेंगे पर बी को लॉक नहीं रखेंगे, तो यहाँ पे F4 करते हैं, एक बार और F4 करते हैं, यहाँ पे बी इसका लॉक नहीं रहने वाला है। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और आंसर एग्जैक्ट आया इसके लिए हम 0 करते हैं। ब्रैकेट क्लोज करते हैं और यहाँ पे प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ एंटर। लेट्स सी कि अभी हमारा आंसर सही आया है कि नहीं आया है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये डेटा है हमारा 5 मई का, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ Ctrl+B। अब वही डेटा अगर यहाँ पे देखा जाए तो 5 तारीख के लिए सेंट्रल का है, एग्जीक्यूटिव तिलक है, आइटम पेंसिल है, यूनिट 90s है, यूनिट कॉस्ट है 5 और टोटल है 450, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर इसने हमें यहाँ पे लेके दिया है। तो मैं किसी लोकेशन पे ऐसे डबल क्लिक करके चेक करता हूँ कि इस फॉर्मूला ने किस तरह से वर्क किया। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि जो लुकअप वैल्यू है वो राइट में मूव नहीं हुई बट अप टू डाउन यहाँ पे मूव हो चुकी है। इसका जो टेबल एरे था ये वाला एरिया वो अपनी जगह पे फिक्स्ड है। कॉलम्स के अंदर ये वैल्यू ऑर्डर डेट पे फिक्स है, बाकी उस टाइम रीजन पे थी, अब फिर ये एग्जीक्यूटिव में भी गई और फिर आइटम्स पर भी आ चुकी है। अगर ऐसे में किसी दूसरी चीज के लिए फाइंड करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे था सिर्फ, बट ये यहाँ तक आ चुका है, क्योंकि विल लुकअप को कॉलम्स की जरूरत होती है, तो इसलिए इसने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑटोमेटिकली इसने कॉलम्स नंबर काउंट कर लिया और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा निकाल लिया। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से अपने लॉट ऑफ डेटा को बड़े से डेटा में से इजीली फाइंड कर सकते हैं, और ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप एक्सेल पे काम करते हैं तो। अब आई होप कि आपको ये वी लुकअप का ऑप्शन समझ में आ गया हो। चलिए अब मूव करते हैं एच लुकअप की तरफ। तो मैंने दूसरी सीट यहाँ पे क्रिएट करके रखी हुई है। जो वी लुकअप होता है वो वर्टिकल लुकअप होता है, जो कि वर्टिकली कॉलम बेसिस पर काम करता है, यानी कि लेफ्ट टू राइट को डेटा को फाइंड करता है। वहीं पर जो एच लुकअप होता है वो हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है, जो कि डेटा को अप टू डाउन फाइंड करता है रो बेसिस पर। जहां पर हम लोगों को वी लुकअप में कॉलम्स नंबर डालने होते हैं, वहीं पे हम लोगों को एच लुकअप में रो नंबर्स डालने होते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो डेटा है वो हॉरिजॉन्टली बना हुआ है इस तरह से, और इसमें कुछ रैंडम आईडी नंबर्स लिखे हुए हैं, और इन आईडी नंबर्स के बेसिस पे मुझे इनका डिटेल्स फाइंड करना है। तो यहां पर हम लोग लगाने वाले हैं एच लुकअप के साथ रोज। तो चलिए सभी नोट पढ़ लेते हैं। इसका नोट भी बिल्कुल सेम है कि ये भी वही कहता है कि हम लोगों को पूरा एरिया इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। कुछ इस तरह से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, और मैं इसमें भी पहले आपको विदाउट लॉक इस फॉर्मूला को समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम करते हैं इज इक्वल टू एच लुकअप, जहाँ पे हम लुकअप वैल्यू इधर से ना लेके इधर से लेंगे, क्योंकि ये अप टू डाउन फाइंड करता है, इसमें लुकअप वैल्यू ऊपर से होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लुकअप वैल्यू हमारी है वो ये है, यानी कि 101 का तो नहीं पता मुझे, 110 का पता करना है। यहाँ पे हम करते हैं कॉमा, फिर हम टेबल एल सेट करते हैं, जो कि हमारा जो होल डेटा है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। कॉमा करते हैं, यहाँ पे हम लोगों को रो नंबर निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग एच लुकअप के साथ रोज का फंक्शन इंसर्ट करेंगे। तो रोज का जो फॉर्मूला होता है वो रोज नंबर काउंट करके बता देता है कि हम लोगों ने कितना एरिया सिलेक्ट किया है। तो अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ रोज, और इसमें मुझे जो एरे है वो सिंपल इन दोनों को ही सिलेक्ट करना है,
अब मैंने ये सिर्फ दो ही क्यों सिलेक्ट किए, क्योंकि जब ये आगे मूव होगा तो 3 होगा, फिर 4 होगा, इस वजह से। तो ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, कॉमा करने के हमें करते हैं 0, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से इस फॉर्मूला ने आपको डेटा को फाइंड करने में आपकी मदद की। जैसे कि अगर यहाँ पे देखा जाए, मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ तो इसकी टेबल यहाँ मूव हो चुकी है, जो कि कहीं से कहीं तक आपके आंसर को नहीं निकाल सकती, क्योंकि जहां पर इसको यहाँ सिलेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारी गलतियां हैं, देखिए अब इस तरह से ये मूव हो गए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल भी आंसर नहीं निकालेगा। तो यहाँ पर हमें वही तरीका अप्लाई करना है, यानी कि डेटा को लॉक करना है। सो अब हम यहाँ क्या करते हैं कि पूरा डेटा सिलेक्ट करते हैं और इसको करते हैं रिमूव। तो यहाँ पे अगेन हम लोग एच लुकअप का फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं, इज इक्वल टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी हो जाएगी ये। आई होप अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि लॉक किस तरह से करना है। तो इसमें आप ही सोचिए कि किस तरह से ये लॉक हो सकता है। इसमें आपको 10 को लॉक करना चाहिए, 20 को लॉक करना चाहिए, या फिर पूरा लॉक करना चाहिए। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि जो लुकअप वैल्यू है वो नीचे को मूव हो, मैं चाहता हूँ ये राइट को मूव हो, क्योंकि कभी लुकअप वैल्यू ये होगी, अगली बार ये होगी, फिर अगली बार ये होगी। यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे कॉलम्स हैं वो चेंज होने चाहिए, इसको बी से सी होना चाहिए, सी से डी भी होना चाहिए, तो 10 से 11 नहीं होना चाहिए, इट मीन्स कि 10 को ही लॉक होना चाहिए। तो यहाँ पे हम करते हैं F4, एक बार और F4 करते हैं, तो यहाँ पे हमारा 10 तो लॉक हो गया बट भी लॉक नहीं है। सो ओके, यही करना है हमको, कॉमा करते हैं। टेबल एरे में कोई भी एरिया अनलॉक नहीं रहेगा, पूरा एरिया इसका लॉक करना है, तो F4 प्रेस कर देते हैं, कॉमा करते हैं। अब यहाँ पे हमें लगाना है रोज का फंक्शन, रोज में हमें इन दोनों को सिलेक्ट करना है, जहां पर मैं ये चाहता हूँ कि अभी ये यहाँ पर है, तो डिपार्टमेंट निकालते रहेंगे, डिपार्टमेंट तक पहुंच जाए, फिर सैलरी तक, फिर बोनस तक और फिर टोटल पे तक। तो इसके अकॉर्डिंग रो नंबर चेंज होंगी ना, अभी 2 रो नंबर आएंगी, फिर 3, फिर 4, 5, फिर 6, इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग A2 को तो पूरा लॉक कर देंगे, जो कि हम चाहते हैं कि ये हमेशा ऊपर एम्प्लॉय आई डी फिक्स रहे, बट ये अभी A2 है और ये अभी A3 है, और ये हमें हमेशा A3 नहीं रखना है, ये कभी A4 होना चाहिए, कभी A5, कभी A6, कभी A7, इस तरह से होना चाहिए। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि नंबर चेंज हो रहा है, कॉलम चेंज नहीं हो रहा है, तो A तो अपनी जगह पे कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे हम लोगों को 3 को चेंज करना है, इसका मतलब A लॉक रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग F4 प्रेस करते जाते हैं, आपका A लॉक हो गया। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और कॉमा करते हैं, फिर 0 करते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। यहाँ पर हम प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ एंटर। नाउ हियर यू कैन सी कि आपका आंसर निकल चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कोई भी डेटा अपनी जगह से एक्स्ट्रा मूव नहीं हुआ है। जैसे कि देख सकते हैं, मैं चाहता था कि मेरी आईडी यहाँ पे थी, अब ये आईडी यहाँ पर आ चुकी है। टेबल एरे अपनी जगह फिक्स्ड है, इसका जो रो का एरे था वो अपनी जगह 2 सेलेक्ट किए थे, बट ये यहाँ पर आ चुका है जो मुझे चाहिए था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कहीं पर भी देखा जाए तो आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट है। अगर मैं 108 का भी डेटा देखूं यहाँ पे, तो 108 डेटा को ये रहा हमारा, इसको बोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें 108 पर हर्षित फाइनेंस में, ये इसकी है सेल्स, सारी चीज मतलब इस तरह से हमको दिखने वाली है। तो इस तरह से हम लोग एच लुकअप के फंक्शन से भी अपने हॉरिजॉन्टल डेटा को इजीली फाइंड कर सकते हैं रो के साथ। तो आई होप गाइज आपको ये एच लुकअप के साथ रोज का कॉम्बिनेशन भी समझ में आ गया होगा। तो ये रहा हमारा वी लुकअप का फंक्शन और ये रहा हमारा एच लुकअप का फंक्शन। दोनों फंक्शन मैंने बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आप ये दोनों फंक्शन सही जाते हैं तो आपके लिए ऑफिस में काम करना बहुत ही इजी हो जाएगा, और इंटरव्यू को इजीली क्रैक करना भी आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि ये वी लुकअप और एच लुकअप का बहुत ही एडवांस फंक्शन होता है काम करने के लिए, जहां पे हम लोगों को डेटा एक ही फॉर्मूला लगा के मिल जाता है। बट आपको इतना ध्यान जरूर रखना है कि जब भी आप इस फॉर्मूला को लगाएं, तो इसको तब लगाना है जब आपको किसी भी वैल्यू के लिए सारी चीजें फाइंड करनी होती हैं आपके टेबल एरे में से। जैसे मुझे ये सारी चीजें पता करनी थी और एच लुकअप में मुझे ये सारी चीजें पता करनी थी, तो इसलिए मैंने इस फॉर्मूला का यूज किया है। तो आई होप गाइस आपको ये टॉपिक्स आज के समझ में आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो से रिगार्डिंग अपने फीडबैक के लिए कमेंट में जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।